लोग भैया बोलो परदेसी के लिए क्या ईद क्या सोकल प्रवासी भाई दर के आमी परदेसी के लिए क्या ईद क्या शॉपिंग 365 दिन बस काम तो ईद पर और अपने फैमिली से बात करो उन्हें ये दिखाओ जो हम खुश है और क्या फिर जाके सो जाओ या तो काम पे जाओ यही है परदेसी का जिंदगी। एक रियल स्टोरी सुनो आंखों से आंसू निकल आएंगे। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ होता है सबके साथ पर कोई बताता नहीं है। आज आप देख रहे होंगे जो मैं ड्रेस पहन के वीडियो बना रहा हूँ इस तरह से पहले मैंने कभी ड्रेस पहन के या काम पे आके वीडियो नहीं बनाया हूँ तो ये बस ईद के लिए स्पेशल ईद के लिए। तो सुनो मैं अपने दोस्त को फोन किया जो सऊदी में रहता है उनसे पूछा ईद के दिन क्या करते हो और शॉपिंग किए कि नहीं। वो बोला हाँ शॉपिंग हो गया सबका शॉपिंग होगा इस बार बहुत अच्छे से शॉपिंग हो गया छोटा भाई बड़ा भाई मम्मी पापा सबका बहुत अच्छे से शॉपिंग हो गया। तो पूछा भाई मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ आप शॉपिंग किए कि नहीं। बताया आप तो जानते ही हो मेरा सैलरी कितना है तो इस बार मैं अपने फैमिली को अच्छे से शॉपिंग करा पाया यही बस काफी है। दो साल पहले का कुर्ता पजामा है वही पहन के ईद पर लेंगे एक घंटे का तो बात है फिर आके तो सोना ही है। तो छोटा भाई बड़ा भाई एनीवन कोई भी विदेश में रहता है और आप उनसे गुस्सा है तो कुछ मांगे वो दे नहीं पाया इसीलिए आप गुस्सा है। उनसे कभी पूछे हो वो क्यों नहीं दे पाया किस कारण से नहीं दे पाया ये कभी नहीं पूछे हो नहीं पता या आप जानने का कभी कोशिश भी नहीं किए हो जो वो आखिर क्यों नहीं दे पाया। वो सबके लिए सब कुछ करना चाहता है पर फिर भी नहीं कर पा रहा है मगर उसका मजबूरी आप नहीं देखते हो। आप ईद में आपके जो भी विदेश में है उनको फोन करके बोलो सॉरी भाई पापा जो भी है आपको उनसे सॉरी बोलो और पूछो इस बार आपको क्या चाहिए। आप में यही देंगे जो आप हमसे पूछे इससे बड़ा दौलत हमें और कुछ नहीं चाहिए। जितना कुछ दर्द तकलीफ कुछ भी है वो ये सुनने के बाद उनका कम हो जाएंगे। तरफ से आप सभी को एडवांस ईद मुबारक अपने फैमिली के साथ ईद मनाइए खुश रहिए। आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो इस वीडियो को भी जरूर देखिए फिर मेरे बात का आपको एहसास होगा। इस तरह जितने भी मेरे भाई विदेश में रहते हैं उनको थैंक यू और स्पेशल उसको थैंक यू जो अपने दर्द हमें बताया और मैं इस वीडियो के जरिए सबको बता पाया थैंक यू सो मच। তোর পাঠানো টাকা দিয়ে ওরা কাপড় সাপড় কিনা আলমারি বোঝাই করে ফেলতেছে তিন ভাই বোন মিলা সারাদিন নতুন নতুন জামা কাপড় পরে ঘুরু আচ্ছা বাবা রাখান ধান কাটার লেগে আমার জোড়া তো অনেক টাকা চায় তুই চিন্তা করিস না আমি আস্তে আস্তে সব করে ভালো আব্বা তোমার না মানা করছে গরমে খেতে যেতে না আচ্ছা বাজান কাঁটা রেখে অনেক করো আমার এখন গরম গেছে এখন কিছু হাজার কষ্ট ম্লান হয়ে যায় তোমাদের হাসি মুখে হাজার মিথ্যে সত্যি হয় তোমাদের সুখে রব জানে আমি জানি ভালোবাসি তোমাদের কি খাস আমি এটা কোনো খাওয়া হইলো কেমন নাম খাপসা আরে এটা আরবের লিলি ভালোবাসি তোমাদের
প্রবাসীদের এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে তাদের পরিবারের আশি ফুটে না আশি ফুটে দেশের অর্থনীতিতেও সবকে উপর বিত্তায় স্যার অর্থনীতির অবস্থা তো আপনারা জানেনই কি অবস্থা আছে এখন সকল প্রবাসী ভাইদেরকে আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাই আর আপনাদের কাছে অনুরোধ ঈদের উপলক্ষে এই ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন।